दी अगर तू इतने सारे गिफ्ट होगा मुझे क्या दोगी? अभी रुक जाना देख रही हूँ मैं ले लूँ। हाँ ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खो। So, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे रॉकिंग। तो मेरे आपको पता ही होगा कि मेरी कल बर्थडे पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी थी जिसका आपने ब्लॉग देख लिया होगा। तो बहुत प्राइवेट पार्टी थी, उसमें बहुत क्लोज फ्रेंड्स आए थे। तो ये है उसकी उन सबके गिफ्ट्स। तो आज मैं इन सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो छोटे गिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। कितना क्यूट एलिफेंट है, सो क्यूट मम्मा, पेंसिल होल्डर है। गाइस ये बहुत कितना क्यूट है, एक एलिफेंट है और आई थिंक ये पेंसिल होल्डर है। यहाँ पे पेंसिल या पेन रख सकते हो। यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है फॉर सम वन स्पेशल। उसकी कान देखो, कितनी क्यूट है। और चलो ये वाला गिफ्ट खोलते हैं। दीदी जिस गिफ्ट से सबसे क्यूट चीज निकली वो मैं ले लूंगी। सो गाइस ये बहुत क्यूट सा लग रहा है। जी भी कोई आइडिया नहीं है इतने क्या हो सकता है, क्या होगा ये? ओह ये ले लूंगी दीदी, बहुत क्यूट है। ये डायरी है, मैंने देखी है। ये डायरी होती है, चॉकलेट डायरी। गाइस अरे दीदी कैसी चॉकलेट है, मुझे भी दो। ये डायरी है, मैंने तो ऐसी कभी। वाओ गाइस इतनी क्यूट डायरी है, आपने कभी ऐसी डायरी देखी है? हाँ। ओह माय क्लिप कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट क्लिप्स हैं। ओह ये क्या है, ये क्या है, पेंडेंट है क्या, क्या ये? गाइस ये कितनी छोटी सी क्लिप है और सारी चीज कितनी क्यूट क्यूट और पर्पल कलर की है, मेरा फेवरेट कलर। उनको मेरा फेवरेट कलर पता था। ये भी कितनी छोटी सी है गाइस, देखो इसे। इसमें कितने क्यूट क्यूट गाइस, ये कितना छोटा सा टिकटॉक है, छोटी सी। गाइस ये कितना क्यूट बनी है, इसे देखो। दीदी मैं भी शेयर करूंगी ना। और गाइस ये देखो, ये दो कितने क्यूट पॉम पॉम वाले रबर बैंड। गाइस तो बड़ा एक्साइटिंग होता जा रहा है। दीदी हाँ बहुत मजा आ रहा है, पार्टी से मजा आ रहा है ना। सो गाइस अब ये वाला गिफ्ट खोलते हैं। गाइस मुझे यहाँ से कुछ अच्छा दिख रहा है, सिंपल ऐसा ही दिख रहा है कुछ। गाइस बहुत एक्साइटेड है, सिंपल ही दिया है। गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो वेट। गाइस ये क्या है, ये कितना सुंदर है, ये राबी वाला है। गाइस इस राबी की मुझ क्यों है? अच्छा गाइस ये मेरा सेकंड सिपर होगा, मैं आपको इनका सारे देखो। ये कितना क्यूट है, तो ये मेरा सेकंड सिपर होने वाला है। अब क्या खोलूं? हाँ ये वाला। वाओ ये मुझे आपने बताया, ये मुझे किसी ने बताया था इसके अंदर कुछ है, कुछ अच्छा है, ये बताया था बस, वो नहीं बताते। मुझे इसकी रैपिंग बहुत अच्छी लग रही है, पर हाँ बहुत अच्छी लग रही है।
लगी। BTS गाइस, ये जो एक BTS पाउच है, सो गाइस जो ये BTS का पाउच था ना, इसके अंदर ये सारी चीजें थी। ये एक पेंसिल है, ये एक पेन है, और एक फिश शेप की पेन है, एक यूनिकॉर्न पेन है, एक नॉर्मल पेन है, और ये है एक पेंसिल, और ये है टू पेंसिल। ओह माय गॉड, और ये है एक इरेजर, और ये है डबल शार्पनर, ये है शार्पनर, और यहाँ पे है एक स्टैम्प, ये देखो एक स्टार वाला। मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ, ये देखो, और ये है कुछ स्केच पेन्स, ये है पेंसिल कलर्स। तो चलो ये वाला खोलते हैं। कलर डार्क पिंक, थोड़ा पर्पलिश है ये। सो गाइस, एक ब्रेसलेट मेकिंग किट है, बहुत अच्छी है। देखो मैं नेकलेस, मैंने खाली टाइम पास तो ये बहुत बनाती हूँ, तो ये मेरी यूजफुल थिंग आ गई। इसमें आप लोग इयररिंग्स बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, और आप लोग नेकलेस भी बना सकते हैं। तो इसको अभी मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक किट यूज कर रही हूँ, तो उसको भी साइड में रख देते हैं। तो अब ये वाला खोलते हैं। दीदी, आपको तो इतने सारे गिफ्ट होगा, मुझे क्या दोगी? आप ही रुक जाना, देख रही हूँ। ओह, तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है गाइस। क्या है? यूनिकॉर्न बैग है ये। इतना सॉफ्ट है, मैं इसके ऊपर सो जाऊंगी, कितना सॉफ्ट है, कितना क्यूट है गाइस, ये कितना क्यूट यूनिकॉर्न बैग है। कितना सॉफ्ट है, और तकिया जितना सॉफ्ट है। अरे इसके अंदर तो पेंसिल, इरेजर और शार्पनर भी है। अगर मैं कभी पिकनिक में जाऊंगी तो मैं हमेशा ये वाला एक बैग लेके जाऊंगी। इससे हम लोग वाटर बॉटल रख सकते हैं, टिफिन रख सकते हैं, और मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये वाला। चलो इसे ओपन करते हैं। गाइस, ये भी मेरी यूजफुल थिंग निकल गई। ये इनको जो ये एक्रेलिक कलर्स हैं, मैं इनको यूज करती हूँ पेंटिंग करने के लिए। स्टोन पेंटिंग में काम आता है, मेरी बहुत सी आर्ट की चीज़ों में काम आता है। और ये देखो, ये है यूनिकॉर्न पेंसिल बॉक्स। तो चलो ये वाला गिफ्ट खोलते हैं। वाओ, ये डॉक्टर्स किट है। मैं बचपन में इसके साथ बहुत खेलती थी, पर अगर मैं तो थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ ना, तो इससे तू खेल लेना। हाँ, थैंक यू दीदी, कम से कम किस्त दिया आपने। स्पॉटी, तुम्हें बुखार होगा ना, तेरे ट्रीटमेंट मैं इसी से करूँगी। अगर तू शैतानी करेगा ना, तो मैं तुझे ये इंजेक्शन लगा दूंगी। चलो नेक्स्ट खोलते हैं। ओ कलर, तो ये भी मेरे बहुत काम की चीज़ आ गई है। इसमें एक इरेजर है, इस पर शार्पनर है, इसमें एक पेंसिल है, इसमें बहुत सारे क्रियॉन्स है, एक स्केल है, और ये है एक फाउंटेन पेन। ये फाउंटेन पेन मुझे बहुत पसंद है, मैंने टीवी में देखा भी है, ये बहुत अच्छा चलता है। अब इसकी बारी है, जोर लिख दिया। वाओ, आज तो मेरा लकी लकी डे हो गया, मुझे यूनिकॉर्न बैग इतने पसंद है कि मुझे दो मिल गए हैं। ये कितना सॉफ्ट है, इस पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हो, और अगर आप इनफैक्ट ट्यूशन में जा रहे हैं तो आप इसके अंदर एक बुक भी रख सकते हैं। अब ये वाला खोलते हैं। इसमें ये
ये वाला गिफ्ट है और एक दो गिफ्ट है। दीदी शायद इसमें मेरी काम की चीज है। सो गाइस ये पंचतंत्र है। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छी स्टोरीज होती है। मैंने मम्मा से बोला भी था मुझे चाहिए, पर मेरी फ्रेंड ने ही दे दिया ये। थैंक यू टू माय फ्रेंड। अब मैं इसकी स्टोरीज पढ़ूंगी और तुझे भी सुनाऊंगी। तो गाइस एक यंग साइंटिस्ट किट है जिसमें बहुत सारी चीजें और साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। क्या बताओ, अगर मैं इसको ना कर पाऊँ तो ये मम्मा हेल्प करेगी और फिर मैं अपनी छोटी बहन को बताऊंगी। और अब खोलते हैं ये वाला गेम। दीदी इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो गाइस इसमें मेरी एक फ्रेंड ने बहुत क्यूट से छोटा सा नोट भी लिखा है। सो गाइस एक बार्बी पजल है, देखो। आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग गेम होने वाला है। जब मेरी छुट्टियां पड़ेंगी तब मैं इसे इसके साथ खेलूंगी। सो गाइस मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। चलो इसको भी खोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 गिफ्ट्स है। तो चलो सबसे पहले इसको खोलते हैं। सो गाइस एक बॉटल है। सो गाइस इसमें एक चॉकलेट नोटबुक है। दीदी मेरे पास दो दो हो गई है तो इसलिए एक तो लेना। चाहिए मत कर किसी। तो इस पे भी कप है और ये बहुत ज्यादा क्यूट है। ये देखो ये ऐसे खुलता है, इसका ये ढक्कन है और ये कप है। सो गाइस मैं अब रोज दूध इसी में पी के जाऊंगी स्कूल। गाइस आई थिंक ये पाउच नहीं है, ये है पर्स। बताऊं कैसे, ये देखो गाइस। सो गाइस यहाँ पे इसका एक स्लिंग है। गाइस ये देखो ये ऐसे स्लिंग बन जाएगा। अगर आपको स्लिंग नहीं लगाना है तो आप एक छोटा सा स्ट्रिंग भी लगा सकते हो। तो अब सबसे बड़ा वाला गिफ्ट। वाओ उसमें तो एक और BTS का पाउच। ये देखो वावे एक और पर्स। दीदी कितनी स्क्विशी है। गाय दी डॉल कितनी क्यूट है और उसने कितनी क्यूट सी फ्रॉक भी पहनी है। एक्चुअली में एक पर्स है ये देखो। तो गाइस ये एक वाटर डायरी है। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं। सो गाइस इसे ये वाटर है और इस वाटर पे कितने क्यूट फ्लावर्स हैं और इसकी चेन कितनी क्यूट है ये देखो। ओ इसका कवर है दीदी और ये देखो कितनी क्यूट पिंक लाइंस है इसके अंदर। पिंक पेजेस सॉरी। और गाइस इससे मेरी फ्रेंड ने ये 2 टिप्स दिए हैं और उसके साथ है पेपर सोप है, वाटरमेलन स्मेल का। और सो गाइस मैंने टीवी में देखा है ये फ्लोटिंग पेंस है। नो इसको आप इस पर एक रूलर टाइप होता है, इसको आप ऐसे गोल पेन को ऐसे करोगे तो कुछ ऐसी शेप्स बन के आएंगी। सिखाओ इसको आप। अगर आप किसी का कार्ड बना रहे हैं, आपको अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है तो आप इन पेन से इसको कर सकते हैं। सो गाइस बिग क्यूट तो छोटू सा डायनासोर इरेजर है। सो गाइस इसमें भी एक यूनिकॉर्न पेन है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं।
सो गाइस ये है मेरे सारे गिफ्ट्स, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।